रोमन रेंस भी ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, उसोस इनको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज हमारे भारतीय शेर वीर महान और सांगा ने खुल्लम खुल्ला WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन द उसोस को चैलेंज कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि वीर महान और सांगा ने ये तक कह दिया कि उसोस उनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत जल्द वो उसोस को खत्म करने के लिए और उनके चैंपियनशिप को अपना बनाने के लिए काफी जल्द वो मेन रोस्टर में आ रहे हैं। वीर महान और सांगा उसोस का क्या हाल कर सकते हैं? आज उन्होंने NXT रोस्टर के सुपरस्टारों का कचुंबर बना एक छोटा सा नमूना पेश कर दिया है। तो गाइस अगर आप लोग वीर महान के फैन हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। गाइस काफी टाइम से आप लोग ये पूछ रहे थे कि यार अपने वीर महान WWE से कहां चले गए हैं। तो गाइस कुछ वीक पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि वीर महान NXT में आए हुए हैं, और इसलिए क्योंकि वीर महान को WWE में एक टैग टीम पार्टनर चाहिए था, तो इसलिए वे NXT में अपने भारतीय दोस्त सांगा को एज अ टैग टीम पार्टनर बनाने के लिए आए हुए थे। गाइस सांगा के मान जाने के बाद आज NXT में वीर महान ने अपने दोस्त के साथ आज NXT में अपना डेब्यू मैच किया, और इनकी टैग टीम जोड़ी का नाम इंदु शेर है, यानी कह लो भारतीय शेर। तो गाइस आज NXT में हमारे भारतीय शेरों का मैच NXT के कुछ लोकल सुपरस्टारों के साथ था, और गाइस वीर और सांगा ने इस मैच में भाई लोकल सुपरस्टारों को क्या मार मारी है। गाइस मैच का ये मूव सच में काफी ज्यादा कमाल का था। जब वीर महान और सांगा एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए आते हैं और बीच में वो लोकल सुपरस्टार फंस जाता है, इसके बाद तो उसका कचुंबर ही बन जाता है। गाइस ये मूव कुछ कुछ सैंडविच जैसा लगा। इसके बाद गाइस वीर महान का तांडव देखने को मिलता है। वीर महान क्या ही उछल उछल के उन लोकल सुपरस्टारों के हड्डियों का कीमा बना रहे थे। एक तरफ से जहां वीर उन लोकल सुपरस्टारों को उठा उठा के पटक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सांगा भी कुछ कम नहीं थे, वे भी उन लोकल सुपरस्टारों के साथ कुछ ऐसा ही कर थे। और गाइस एंड में वीर अपना फिनिशर लगा इस मैच को बड़ी आसानी से खेलते कूदते जीत जाते हैं। तो गाइस अब मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो गाइस काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो गाइस अभी हाल ही में सांगा एक पॉडकास्ट में आए हुए थे। ये पॉडकास्ट रसल चैटर की ओर से रोहित भाई की ओर से कंडक्ट किया गया था। आई होप कि गाइस आप लोग रसल चैटर को तो जानते ही होंगे, जो कि हमारे कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। तो गाइस इस पॉडकास्ट में काफी सवाल जवाब करने के बाद रोहित भाई सांगा से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। वे पूछते हैं कि अगर आपका और वीर महान का एक टैग टीम बनता है तो आप लोग अपना ड्रीम अपोनेंट किसे पिक करोगे। तो गाइस सांगा ने सीधे उसोस का नाम लिया। इसके बाद गाइस सांगा कहते हैं कि अगर उनकी टैग टीम वीर महान के साथ बन जाती है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि वो बन चुकी है, तो हाँ गाइस आगे सांगा कहते हैं कि स्ट्रेंथ की बात करें तो उनके टक्कर में पूरे WWE यूनिवर्स में ऐसा कोई भी टैग टीम नहीं है जो उन्हें बराबरी का टक्कर दे सके। हाँ गाइस सांगा ने बिल्कुल सही बात कही है। गाइस हम लोगों ने देखा है जब वीर महान और सांगा अकेले इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचो जब वो साथ आ जाएंगे तो ये दोनों मिले एक साथ क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और गाइस सांगा ने ये भी कहा कि वे इस बात का घमंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि उनकी और वीर महान की टैग टीम सबसे बेस्ट टैग टीम है, लेकिन उन्हें ये दिल से पूरा विश्वास है कि वे अगर एक साथ आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और गाइस इन्होंने बड़ी चीजें करना स्टार्ट भी कर दी है। आज सांगा और वीर महान ने NXT के वन ऑफ बेस्ट टैग टीम क्रीड ब्रदर्स को चैलेंज कर दिया है। भले गाइस क्रीड ब्रदर्स NXT की काफी पावरफुल टैग टीम होगी, लेकिन हमारे वीर महान और सांगा से पावरफुल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लाइव इवेंट में हमारे भारतीय शेरों ने क्रीड ब्रदर्स को पहले से ही धो रखा है। अब जब मेन रोस्टर में भी इनका मैच होगा तो ये वीर और सांगा का ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। गाइस समझ दो अभी NXT में वीर और सांगा थोड़े वार्म अप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द HHH वीर महान और सांगा को मेन रोस्टर मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन में लाने वाले हैं। इसके बाद गाइस सांगा ने जो कहा है वे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसोस को चैलेंज करने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि मेन रोस्टर में मुझे नहीं लगता है वीर और सांगा का कोई कुछ उखाड़ पाएगा। तो गाइस बाकी सारे टैग टीम को डिस्ट्रॉय करने के बाद WWE वीर और सांगा को उसोस के फेस टू फेस ला उन्हें चैंपियनशिप मैच में जरूर डालेंगे। तो गाइस अब आप लोगों से बस ये छोटा सा सवाल ये है कि अगर इन द फ्यूचर उसोस वर्सेस इंदु शेर होता है तो गाइस क्या लगता है आप लोगों को इस मैच का विनर कौन होगा। गाइस अपनी इस ओपिनियन को नीचे कमेंट बॉक्स में डालना ना भूले। तो गाइस बस यहीं तक ही थी हमारी आज की ये वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। गाइस अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर गाइस मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।